स्वागत है साथियों आपका ट्रेवल विद अमेटा के आज के इस ब्लॉग पर। आज हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए परिवार सहित निकल पड़े हैं। पूरी फैमिली के साथ इस बार माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए हैं। ये है दीपक भैया, चेतन भैया, माता दी, दुर्गेश जी। बोलो जय माता दी। हम सभी आ चुके हैं बाणगंगा और यहाँ से अब हम अपनी यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। ये बाणगंगा है, एक बेस्ट चेकअप कैंप है जहाँ पर सारी आइडेंटिटी चेक होके हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। यहाँ से घोड़े मिल जाते हैं आपको, घोड़ों की सवारी करनी हो तो यहाँ से घोड़े लेकर चढ़ाई की जा सकती है पहाड़ पर। भाई दीपक बच्चों की ट्रॉली को धक्का देते हुए, दुर्गेश जी भी। अब हम सभी भैरव दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। माँ वैष्णो के बहुत ही अद्भुत दर्शन के साथ बाबा भैरव की दर्शन यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। आज बस हो चुके हैं, भैरव बाबा की चढ़ाई करते हुए। माता वैष्णो के मंदिर से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है भैरव बाबा की, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। भैरव मंदिर की चढ़ाई बहुत ही से पार करते हुए श्रद्धालु भाई दीपक ट्रॉली के साथ ऊपर बढ़ते हुए। बच्चे बड़े आराम से भैरव यात्रा कर रहे हैं। भाई चेतन और दुर्गेश के उत्साह से भैरव बाबा दर्शन
माँ वैष्णो देवी की आयो क्या? यात्रा का ये सफर वैष्णो देवी कटरा से प्रस्थान के साथ समाप्त हो रहा है। इस सफर से बहुत कुछ अनुभव सभी को मिला है। आइए जानते हैं सभी के अनुभवों को एक एक करके, इस सफर में क्या उन्होंने अनुभव किया। हमारे साथ हैं भाई दुर्गेश जी। दुर्गेश जी बताएंगे अपने अनुभव को। दुर्गेश जी बताएं कैसा रहा आपका वैष्णो देवी का सफर। वैष्णो देवी का सफर बहुत अच्छा रहा है। जहाँ तक मेरी बात करूँ तो मैं तो पहले भी आ रखा हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम अपन जो फैमिली के साथ आए, बहुत ही अच्छा ट्रिप लगा, अनुभव बहुत अच्छा रहा है। माता रानी के दर्शन हो गए, सब कुशल यात्रा संभव रही। और सफर में और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कोई यात्री और आए तो उनको किन चीज़ों को देखना होगा? बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए यात्रा का आनंद लेना चाहिए। बाकी तो मजा आया कुल मिला के। जय। आइए अब जानते हैं भाई दीपक से उनके अनुभवों के बारे में। भाई दीपक, वैष्णो देवी यात्रा परिवार के साथ अच्छी रही और हमारे सब भाई लोग आए हैं, बुआ के वगैरह, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और इसमें ये एक आप आए, लेकिन अगर फैमिली साथ में हो तो एक दिन एक्स्ट्रा लेके चले तो ही बेटर रहेगा। और खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ मौसम बदलता रहता है, कभी बारिश कभी क्या, इसलिए आप सब कुछ अपनी व्यवस्था करके आए हैं। जय माता दी। जय माता। अब भाई चेतन से जानते हैं माँ वैष्णो देवी सफर और टूर कैसा रहा उनके अनुभवों के साथ। जय माता दी। माता वैष्णो देवी की यात्रा पे आने के लिए सबसे पहले तो मौसम देख के आना चाहिए। मई जून के महीने में कम से कम हो सके तो यात्रा को नहीं करना चाहिए। अच्छा मौसम रहता है सितंबर से लेके जनवरी तक का। मैं विगत 8 वर्षों से माता रानी के दरबार में हाजिर लगाने आ रहा हूँ और हर मौसम का अनुभव मैंने लिया है। इस बार मुझे मई जून की थोड़ी भारी लगी, बाकी हर बार मैं अक्टूबर में आता हूँ, वो सबसे अच्छा समय रहता है। परिवार के साथ अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलें, खाने पीने में सावधानी रखें। यहाँ का पानी और वातावरण बहुत शुद्ध है, बाजार का पानी पीने की भी जरूरत नहीं है। खाना बाजार में बहुत अच्छा शुद्ध और स्वादिष्ट होता है। जय माता। आइए अब हमारे महिला वर्ग में भी एक एक करके अनुभव लेते हैं। हमारे साथ है स्वाति जी, ये अपने अनुभव शेयर करेंगे माता वैष्णो देवी यात्रा के, किस प्रकार से इनकी यात्रा रही और इन्होंने इस यात्रा से क्या अनुभव लिए। जय माता दी। सभी साथियों को जय माता दी। आप सभी ये ना सोचे कि हम सब ऊपर पहाड़ पर कैसे चढ़ेंगे, लेकिन माता रानी है ना, आप सबके साथ रहती है और सबको हिम्मत देती है। और ये नहीं दिमाग में लाए हम कैसे चढ़ेंगे, आपको सबको देखते हुए और वातावरण को देखते हुए चलना चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर सबको पानी पीता रहना चाहिए। पानी पीने से सही रहता है, बाकी अरे चाहिए पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जय माता दी। जय माता दी। आइए अब अपने अनुभवों को शेयर करेंगे हमारे साथ प्रियंका जी। जय माता दी। जय श्री कृष्ण मेरे सभी साथियों को। और हमारे यहाँ वैष्णो देवी का सफर काफी अच्छा रहा और यहाँ पर मौसम का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। पहले से हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि कब क्या हो सकता है मौसम के लिए। और हमारे सभी साथियों का हमारे लिए बहुत अच्छा सहयोग रहा है, हमारा फ्रेंडशिप तो बहुत ही अच्छा है। जय श्री कृष्ण राधे राधे। बच्चों ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया और सबका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। जय माता दी।